हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। सो इन दिस वीडियो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर ईयर पेपर्स में। सो देखिए, इस वीडियो में आई एम डिस्कसिंग 2018 का प्रीलिम्स। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में आई विल डिस्कस 2013 से लेके 17 तक के प्रीलिम्स के पेपर, और उसके बाद हम वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे 2019 से लेके 2022 तक के पेपर। तो आपके 2013 से लेके 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडिया में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे इस क्वेश्चन सीरीज़ में। पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज़ ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसमें हम ऑलरेडी 2017 से लेके 22 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। 2013 से लेके 16 तक के क्वेश्चंस जो हैं, उसके लिए भी एक अलग से सीरीज़ आई विल मेक, जिसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। सो रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच, सो वुड्स डिस्पैच इज वॉज बेसिकली रिलेटेड टू एजुकेशन, एक चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा आपने ध्यान रखना है 1854 में लेके आए थे चार्ल्स वुड्स, चार्ल्स वुड। सो वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट है ग्रांट्स इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही है कि ग्रांट्स इन एड दी जाएंगी एजुकेशन को डिवेल्प करने के लिए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वॉज रिकमेंडेड, बिल्कुल सही बात है, इसकी रिकमेंडेशन पे ही 1857 में तीन यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की गई थी, कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास में। और इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड, तो इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रिकमेंड तो किया गया, बट सारे लेवल्स पे नहीं, सिर्फ कहा गया था कि हायर लेवल्स पे, हायर एजुकेशन में इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो द थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो 1 और 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विद रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग कलोनियल रूल इन इंडिया, कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स। तो अब यहाँ हमको बताना है कि क्या ये पेयर जो जिस जो इंस्टीट्यूशन है और इसका फाउंडर जो है, क्या ये मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। संस्कृत कॉलेज एट बनारस बाय विलियम जोन्स, बिल्कुल गलत है। विलियम जोन्स ने फाउंडेशन रखी थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, से ध्यान रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की फाउंडेशन रखी थी 1784 में, तो इनका नाम आप ध्यान रखिए। कैलकटा मदरसा की फाउंडेशन जो थी वो बिल्कुल वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी थी 1781 में। और फोर्ट विलियम कॉलेज, अब यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए आर्थर वेलिसले का नाम दिया, बेसिकली उस टाइम पे इंडिया के जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था रिचर्ड वेलिसले, सो इसीलिए हमको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ये आर्थर वेलिसले का नाम दिया। ये ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे, इन्होंने नहीं की थी बट रिचर्ड वेलिसले ने की थी 1800 में, तो ये ध्यान आप रखेंगे। और संस्कृत कॉलेज एट बनारस की अगर मैं बात करूं तो दैट वाज फाउंडेड बाय जोनाथन डंकन, सो नाम ध्यान में रखेंगे, जोनाथन डंकन इन द ईयर 1791। और ये की किसके लिए गई थी, टू प्रमोट द स्टडी ऑफ हिंदू लॉज एंड फिलॉसफी, सो हिंदू लॉज और फिलॉसफी की स्टडी करने के लिए ये फाउंडेशन रखी गई थी। उसके बाद इसी संस्कृत कॉलेज एट बनारस का नाम 1958 में इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया, और फिर 1974 में इसका नाम कर दिया गया संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, सो आज इसका नाम है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी कैलकटा मदरसा जो है इसका आज नाम है, आज इसको जाना जाता है अलिया यूनिवर्सिटी के नाम से कैलकटा में, ठीक है। और ये बनारस में है आपकी संस्कृत कॉलेज, ठीक है। सो द राइट आंसर वुड बी बी ओनली या 2 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट, इनमें से कौन सा इवेंट है जो सबसे पहले हुआ। तो क्रोनोलॉजी में पता होना चाहिए, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी 1875 में बाय दयानंद सरस्वती। दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण जो लिखी है वो 1860 में लिखी है।
आपके इंडिगो रिवॉल्ट्स के टाइम पे लिखी गई है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखी है 1882 में, और उसके बाद सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये हुआ था 1863 में। तो इन सब में जो अर्लीस्ट है दैट इज दीनबंधु मित्रा रोट नील दर्पण। नेक्स्ट, इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा, तो किसका नाम चेंज करके स्वराज्य सभा रख दिया गया था। तो ध्यान रखिए, ऑल इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट का नाम चेंज करके गांधी जी ने रख दिया था स्वराज्य सभा। एक्चुअली अगस्त 1920 में डेथ हो गई बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वही फाउंडर थे किसके, ऑल इंडिया होम रूल लीग के। बाल गंगाधर तिलक की डेथ के बाद गांधी जी ने प्रेसिडेंटशिप ली इसकी, और उसके बाद इसको चेंज कर दिया, इसका नाम है स्वराज्य सभा। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इसमें से किसके द्वारा इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। तो चार्टर एक्ट 1813 बिल्कुल सही है, और ओरिएंटलिस्ट एंग्लिस्ट कंट्रोवर्सी ये भी बिल्कुल सही है, जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये गलत है। तो द राइट आंसर इज 1 एंड 3, यानी सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज, तो इकोनॉमिकली ब्रिटिश रूल का एक इम्पैक्ट या एक रिजल्ट 19th सेंचुरी में क्या हुआ। अगर आप 19th सेंचुरी की बात करें तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1800 से लेके 1899 तक के पीरियड में, इस टाइम पे क्या हुआ। तो ध्यान रखना, ना तो इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़े, उल्टा इंडिया के एक्सपोर्ट जो थे वो कम हो गए, डिक्रीज कर गए। इंडियन आउंड फैक्ट्रीज नहीं बल्कि ब्रिटिश आउंड फैक्ट्रीज इंडिया में बढ़ गई। उसके बाद अर्बन पॉपुलेशन जो था वो रैपिड इंक्रीज नहीं हुआ, उसमें अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो नहीं पाई क्योंकि इंडस्ट्रीज उतनी ज़्यादा डेवलप हो नहीं पाई, पर एक चीज़ ज़रूरी ज़रूर हुई, दैट वाज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में जो भी कमोडिटी प्रोड्यूस की जा रही थी वो सिर्फ किसके लिए प्रोड्यूस की जाती थी, मार्केट के लिए प्रोड्यूस की जाती थी। तो कमर्शियलाइजेशन हुई, और उसके बाद ज़्यादा फोकस जो था वो कैश क्रॉप्स पे दिया जाने लगा। सो सी ऑप्शन वुड बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट, आफ्टर द संथल अपराइजिंग 1855-56 का पीरियड है ये, संथल अपराइजिंग सबसाइडेड, जब सबसाइड हो गई तो क्या मेजर्स लिए गए कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ध्यान रखिए, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने टेरिटरीज क्रिएट की कॉल्ड एज संथल परगनाज, और उसके बाद संथल्स अपनी लैंड को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे नॉन संथल्स को। तो ये दोनों चीज़ें उस टाइम की कॉलोनियल गवर्नमेंट ने की, तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, ही रोट बायोग्राफीज ऑफ मजीनी, गरीबद ली, शिवाजी, श्री कृष्णा, स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम एंड वॉज ऑल्सो इलेक्टेड टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ही वॉज, तो बताओ कौन से लीडर की बात की गई है। ध्यान रखना, इन सब में जब सबसे फेमस लीडर जो है वो इन जो इन सब में इन्वॉल्व है दैट वॉज लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो देखो, सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम जो था दैट वॉज स्टार्टेड इन 1798 बाय वेलिसले, लॉर्ड वेलिसले, वही जिनकी हमने पहले बात की, दैट वॉज रिचर्ड वेलिसले ने, RICHARD, रिचर्ड वेलिसले ने जो थी 1798 में सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया। सब्सिडरी अलायंस का मतलब था कि एक तो मैं लार्ज स्टैंडिंग आर्मी जो है वो क्रिएट करनी है, उसके बाद नेपोलियन के डेंजर से इंडिया को बचाना है, उसके बाद जो इंडियन स्टेट्स हैं उनको ब्रिटिश के कंट्रोल में लाना है या ब्रिटिश को पैरामाउंट बनाना है। बट फिक्स्ड इनकम वाला कोई कॉन्टेक्स्ट उसमें नहीं था कि एक फिक्स्ड इनकम कंपनी को उससे मिले, ऐसा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर्स ऑफ हिंद मजदूर सभा इन 1948। तो ध्यान रखिएगा, हिंद मजदूर सभा की फाउंडेशन रखी थी अशोक मेहता, TS रामानुजम एंड GG मेहता ने 1948 में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह जो होता है वो आपका 1917 में होता है बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। महात्मा गांधी ने पहली बार यहाँ पे जो है ही लेड द रिवॉल्ट इन इंडिया, कोई एक ऐसा लोकल अपराइजिंग में या कोई ऐसे रिवॉल्ट में गांधी जी खुद इन्वॉल्व
हुए थे. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. और इसको गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस भी कहा जाता है, सिविल डिसोबीडियंस भी कहा जाता है गांधी जी को. तो चंपारण सत्याग्रह का सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या था? तो ध्यान रखिएगा, इसका सबसे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट था कि पीजेंट की जो मूवमेंट थी वो नेशनल मूवमेंट के साथ इंटीग्रेट हो गई थी, क्योंकि ये जो लड़ाई थी ये लड़ी गई थी इंडिगो प्लांटेशन के लिए. सो इंडिगो प्लांटेशन के लिए लड़ी गई थी, इसलिए ये जो पीजेंट्स थे देवर इन्वॉल्व, और पीजेंट्स जो थे उन्होंने भी नेशनल मूवमेंट ज्वाइन कर ली थी इस रिवॉल्ट के द्वारा या इस सत्याग्रह के द्वारा. नेक्स्ट, द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी. तो 18th सेंचुरी के मिडल में ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करती थी बंगाल से, बंगाल से कौन सी चीज़ें जो थी वो एक्सपोर्ट की जाती थी? तो ध्यान रखिए, द राइट आंसर इज कॉटन, सिल्क, साल्ट पेटर एंड ओपियम. ये चार चीज़ें जो थी एक्सपोर्ट मटेरियल थे बंगाल से ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी. तो ये क्वेश्चंस थे 2018 प्रीलिम्स के जो हमने डिस्कस किए इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में बाकी कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी. सो थैंक यू सो मच.